कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही इस समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। कोई चाहे कितना भी विरोध कर ले, कितने भी तंज कस ले, लेकिन योगी राज में माफिया और अपराधी बच नहीं सकते हैं। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को हुई डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर से समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरा था। उसके बाद ही उसी के गैंग के अजय यादव का भी एनकाउंटर हो गया, जिससे उसके पैर में गोली लग गई थी और अजय यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है। जिसके बाद आज सुबह उन्नाव में तीसरा आरोपी अनुज प्रताप सिंह भी मुठभेड़ में ढेर हो गया। इसको लेकर भी 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम द्वारा ये एनकाउंटर हुआ और आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई। इस एनकाउंटर से एक चीज साफ हो गई है, विपक्ष चाहे जाति पर और एनकाउंटर पर कितने भी सवाल उठाए, लेकिन योगी सरकार में अपराधियों को सजा होना तय है। गुरुवार को एक भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को गुंडा बदमाश की पार्टी कहा। उसके बाद ही शुक्रवार को फिर जब अजय यादव का एनकाउंटर हुआ तो उसमें समाजवादी पार्टी जाति ढूंढने लगी। आइए देखिए योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को लेकर और क्या क्या कहा। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही इस समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में जिसके ये पात्र है। यादव के एनकाउंटर के बाद भी योगी सरकार को अखिलेश यादव ने कहा कि वो सिर्फ जाति देखकर एनकाउंटर कराते हैं, जिसके बाद से ही अखिलेश यादव का ये बयान चर्चा का विषय बन गया। इस घटना से एक चीज साफ होती है, विपक्ष चाहे कितना भी उंगली उठाए, बुरा भला बोले, लेकिन योगी सरकार में माफिया और अपराधियों को माफ नहीं किया जाएगा। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।